ठीक है, कहते तो पंजाबी जी दस देने, कोई मसला नहीं है, आप सिर्फ प्राइसेस चेक करें। एक अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू वीकी लॉग। आज का व्लॉग होने वाला है फूड व्लॉग। सो अगर आप डाइटिंग पर हैं तो अभी इस वीडियो को स्किप कीजिए, मेरे चैनल पर आपको डिफरेंट किस्म की प्लेलिस्ट मिल जाएंगी, कोई और वीडियो देख लीजिए, लेकिन मेक श्योर मेरी ही वीडियो देखिए। यार मैं आ जाऊँ वाग्यू बीफ ट्राई करने। वाग्यू क्या चीज़ है? हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों ने वाग्यू का पहले नाम भी ना सुना हो। एक खास किस्म का बीफ होता है यार, ये जापानी स्टाइल बीफ होता है, और ये जिस जानवर का गोश्त होता है ना, उस जानवर की परवरिश जो है, उस जानवर की जो आप कह लें कि जो ग्रो अप है ना, ग्रोथ है जो उस जानवर की, ये खास किस्म के इन्वायरमेंट में की जाती है। बड़ा स्ट्रेस फ्री, टेंशन फ्री इन्वायरमेंट होता है, उन्हें टेंशन नहीं दी जाती, ठीक है जी। तो इसी वजह से ये थोड़ा नायाब होता है, महंगा होता है वाग्यू बीफ, और जापानी स्टाइल बीफ है, और इसमें फैट की जो मिकदार है वो ज़्यादा होती है, टेक्सचर इसका अच्छा होता है। इसी वजह से जो है वाग्यू बीफ का जब नाम आता है तो वाग्यू बीफ जो है इसको एक ख़ास मुकाम हासिल है इन सारी खसूसियात की वजह से। चले बातें बहुत होगी, आपको दिखाते भी कि वाग्यू बीफ होता कैसा है और हम किस इन्वायरमेंट के अंदर, किस एम्बियंस के अंदर ये ट्राई करने आए हैं। काम शुरू हो चुका है जी, और सेल्फ कुकिंग है जी, खुद पकाना है, खुद खाना है। अमर भाई ने आते ही हमला कर दिया चावलों पे। अच्छा ये स्पेशल क्या है रूप भाई? ये हमने आपके लिए सी फूड मंगवाया है। अच्छा सी फूड, ठीक हो गया भाई, यू इस पे चलोगे? ओके, ये हमने अलग से ऑर्डर किया है। हाँ, आपके लिए होंगे। थैंक यू सो मच। ओनली टू टेक पिक्चर, ओनली टू टेक। यार ये प्रोटोकॉल वैसे अच्छा लग रहा है, ये हमें यही मिलेंगे कि स्ट्रिप्स भी मिलेगी इसकी कोई? ये रूप भाई का सारा, हमारा ये रहा। अच्छा हाँ, वो तो रूप भाई का, सॉरी, ठीक हो गया। नहीं तो हमें इसकी बैठ जाओ, 10 बजे खत्म हो जाएगा, ठीक हो गया। नहीं जी, 10 बजे खत्म हो जाएगा तो साथ साथ पकाते हैं और साथ साथ खाते हैं, खुद ही पकाना है जी। तवे पे लगाना होता है ना, और ये बुफे है। ये देखें यार, ये मैंने आपको वाग्यू की जो हिस्ट्री बताई थी वो थोड़ी सी ये लिखी हुई है। ये भी होता है वाग्यू बीफ, ठीक है, और यही कुछ उन्होंने लिखा हुआ जो मैंने आपको उर्दू में बता दिया है। कहते तो पंजाबी जी दस दें, कोई मसला नहीं है। तो ये सेटअप है सारा, ठीक है, और जब ये आपको चूल्हा दिया जाता है तो उसके बाद आपके पास 2 घंटे हैं, 2 घंटे के अंदर जो मर्जी मंगाओ और पकाओ। आप सिर्फ प्राइसेस चेक करें, एक रिंगिट सिस्टम पाकिस्तानी 67 रुपीज का, यानी 67,000 का ये है पर केजी, पाकिस्तानी 67,000 का पर केजी ये है, ठीक है। ये वाग्यू कितना महंगा होता है मैं आपको वो दिखा रहा हूँ। 3 कार्ड्स ऑफ मीट, ये प्लेटर 149 का आएगा, ठीक है, ये 309 रिंगिट, 429 रिंगिट। अब आपको समझ आया कि वाग्यू जो है वो क्यों इतना नायाब है। चलो ये चीज आ गई आपकी। ये आपके लवाजमत आगे ली भाई, मेरे आगे लवाजमत। अच्छा ये मेरा 199, ठीक हो गया, रख दो इधर रख दो। ये अनलिमिटेड रिफिल है जी, 199 रिंगिट के अंदर, 200 रिंगिट के अंदर, यानी अनलिमिटेड रिफिल है ये वाला। बड़े इतफाक से लगे हुए माशाल्लाह दोनों, अच्छा लग रहा है आप दोनों को, इतफाक देख के ना आप दोनों का। ये एक मेरे, एक भाई, और ये मेरे, ठीक है भाई, थैंक यू। ये भी रिफिल है ना? ओके, ये भी रिफिल है जी। हर बंदा कितने सुगड़ अंदाज के अंदर अपनी अपनी कुकिंग में लगा हुआ। इनमें से जो जो शादी शुदा इनकी बेगमात ये देख लेना कि जो घर में बर्तन भी नहीं उठाते यहाँ भी कुकिंग कर रहे हैं। हाँ ये दोबारा, ये निकली, ये निकली,
क्या बात, क्या बात, वाह वाह। अनी भाई बुढ़ापे में भी आग बाकी है अभी आम में। ये वाला तो मैंने डालना, ये वाला मैंने डालना व्लॉग में, ये वाला तो डलेगा व्लॉग में। इसको जाइए बताओ देते पता कर लूंगा तेरे बाद बात पे भाई खाते नहीं पकड़ रहा है नहीं नहीं मैं ये जरा चाहूंगा मैं तो ये ट्राई करने वाला था लेकिन अब ये आ गया है अपनी आंखों समेत। सॉरी अरे भाई देना मेरे हैं तू शर्मा कर ये है जी मैं कर रहा हूं नहीं नहीं पता लग गया पता लग गया आंखों समेत काट रहे हैं ये मुझे नहीं आता है कि भाई चिमटे से पकड़ ले आरफ लोहार से पकड़ के इधर ही ले। थैंक यू सर सो नाइस ऑफ यू सलमान भी आ गई जी वागी और सलमान की लड़ाई हो रही है इधर वाह क्या शान से ये कैबेज में लपेटना है सोया सॉस में डिप। थैंक्स थैंक्स टू फराज भाई ये हमें खाना भी सिखा रहे हैं यार एक और झींगा दो जरा एक और झींगा दो उधर हम ले लेते हैं। अच्छा ये देखें फॉर किड्स ओनली अगर आपके बच्चे हैं तो क्लाइंट जो कस्टमर्स हैं उनके बच्चे हैं तो वो एक या दो स्टिकर ले जाएं। तो हम तो थे तकरीबन कोई 12-13 लोग सात लोग 12-13 तो बनते हैं ना हमारे यार। ये था आज का हल्का फुल्का व्लॉग यार। मैंने पहले भी बताया था इस तरह के व्लॉग्स का मकसद कभी भी ये नहीं होता कि अपनी कुछ पैसों का रोब गांठा जाए या आप लोगों को मिसगाइड किया जाए आप लोगों को कम्प्लेक्स का शिकार किया जाए कि यार इनकी बड़ी लश लाइफ चल रही है। ये टीम डिनर था हमारी कंपनी की तरफ से ऑफर था। जो भी एक मल्टीनेशनल कंपनी होती है वो हर क्वार्टर में यानी हर 3 महीने में आपको बजट देती है कि जाइए आप जो कलीग्स हैं आपस में जाइए बैठिए खाना खाइए और अपना थोड़ा सा ऑफिस से हट के मुलाकात कीजिए कोई थोड़ा सा नॉन प्रोफेशनल टॉक हो ठीक है घुलिए मिलिए ठीक है। तो ये इस तरह के डिनर्स होते रहते हैं की गेट टुगेदर होती रहती है। तो इस तरह के व्लॉग्स जो मेरे होते हैं ना उनको आप लिया करें एज ए मोटिवेशन। वो क्या मोटिवेशन होती है कि यार हमने भी इंशाल्लाह अगर हम पढ़ रहे हैं तो हमने दिल लगा के पढ़ना है और हमने किसी अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी को ज्वाइन करना है। अगर हम काम कर रहे हैं तो हमने करियर को इस रूज पे लेके जाना है कि हमने किसी मल्टीनेशनल कंपनी में अप्लाई करना है ठीक है। तो मजीद इस तरह के व्लॉग में लेके आता रहूंगा क्योंकि मेरा चैनल लाइफस्टाइल को भी कवर करता है खाली लिविंग कॉस्ट और वेट लॉस या ट्रैवल को कवर नहीं करता। टोटल बिल हमारा इस सारी एक्टिविटी का बना था 2200 रिंगिट विच इज इक्वल टू 130K रुपीज यानी 1,30,000 रुपये। लेकिन असल पैसे जो होते हैं वो होते हैं एक्सपीरियंस के। हमने हमें से बहुत सारे लोग जिन्होंने कभी भी वाग्यू ट्राई नहीं किया था तो ये हम सबका पहला एक्सपीरियंस था। बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा यार बहुत ज्यादा नरम और बहुत अच्छा यानी नरम इस सेंस में होता है कि एक जो बीफ की पहचान होती है ना उसको बड़ा चबाना पड़ता है च्यू करना पड़ता है लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं था। ये तो यूं था कि जैसे मुंह में रखते और घुलता जाता है और इसका टेक्सचर भी अच्छा था। इसकी मैंने खुसूसियात आपको बताई कि यह महंगा होता है वो इसलिए महंगा होता है कि ये जैपनीज बीफ है और इसकी जो इसका जो जानवर होते हैं उनको पाला जो है खास इन्वायरमेंट में जाता है। तो इंशाल्लाह मजीद व्लॉग आते रहेंगे अपना ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज़।